हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। गाइस, तो गाइस आज यहां पे दिन कौन सा है, सबसे पहले हम लोग वो देखेंगे डेट कौन सा है। आज का दिन यहां पे गाइस संडे है। आज यहां पे 28 अप्रैल है और कल मंडे हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि मंडे को क्या होता है, मंडे को होता है एक्सपायरी, एक नहीं दो दो एक्सपायरी होता है। पहला एक्सपायरी आपका बैंक एक्स का होता है, जो कि बैंक निफ्टी से थोड़ा बड़ा जुड़ा हुआ है। BSE का बैंक एक्स है, बैंकिंग सेक्टर इसमें रहता है। दूसरा यहाँ पे क्या होता है, आपका मिड कैप का यहाँ पे एक्सपायरी होता है, जो कि NSE से जुड़ा हुआ है। तो मिड कैप में प्राइस एक्शन उतना स्मूथ तरीके से नहीं काम करता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो मिड कैप में कल मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कल आपका बैंक एक्स में ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करता हूँ। गाइस, ऑप्शन बाइंग या फिर ऑप्शन सेलिंग जो भी हो, मैं साइडवेज वगैरह प्ले नहीं करता हूँ। लाइक कई लोग प्ले करते हैं, स्ट्रैंगल वगैरह बेचते हैं, वैसे मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, तभी चलिए मैं यहाँ पे इसका एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे बैंक एक्स का आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं किस लेवल पे यहाँ पे मार्केट वीकली कैंडल पे यहाँ पे दिख रहा है। वीकली कैंडल पे सिंपल सा दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे हायर लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले बार कहाँ से रिजेक्शन लिया था। चलिए मैं यहाँ पे आपको डॉट डॉट यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, पिछला बार जो क्लोजिंग था वो यहाँ पे 54,900 के समथिंग था। अभी यहाँ पे 54,600 की क्लोजिंग मिला है, लेकिन अभी ये देखेंगे मेजर जो भी यहाँ पे रेजिस्टेंस है उसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग मिला है। आपको यहाँ पे लाइन चार्ट में, सॉरी कैंडलस्टिक चार्ट में काफ़ी अच्छा दिख रहा है। जब मार्केट यहाँ से फॉल हुआ था एम्पायर बन के, फिर से जब यहाँ पे रेजिस्टेंस ले गिरा, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट फेल्योर हुआ एंड फिर अभी यहाँ पे फाइनली क्लोजिंग मिला है। तो यहाँ पे लुक्स बुलिश। अब कैसे बुलिश है, क्यों बुलिश है, चलिए मैं यहाँ पे आपको वो भी बताता हूँ। वीकली कैंडल हम लोग उसके बाद दूसरा एनालिसिस भी करेंगे। तो देखिए, ये आपका यहाँ पे इस प्रकार से दिख रहा था, देन इधर एक ट्रेंड लाइन भी था। तो इस प्रकार से यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से प्राइस होता है। एक ट्रायंगल होता है, एसेंडिंग ट्रायंगल होता होगा। चलिए गूगल कर लेते हैं, ASCENDING TRIANGLE PATTERN। ठीक है, तो आई थिंक यस, दिस इज असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। इस प्रकार से गाइज होता है, ठीक है, जो कि बुलिश पैटर्न यहाँ पे होता है। तो आपको फिगर आउट मैं यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। दिस इज पैटर्न, यहाँ पे इस प्रकार से पैटर्न होता है, अप ट्रेंड होता है, कंसोलिडेशन होता है एंड फिर से ब्रेकआउट होता है। तो ऐसा कुछ मार्केट फिलहाल दिख रहा है वीकली कैंडल में। सो एंड इसको थोड़ा सा हम लोग वीकली से डायरेक्ट हम लोग डेली कैंडल्स भी अगर यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, तो इसमें भी कुछ उसी प्रकार से यहाँ पे नज़ारा यहाँ पे देखने को गाइस मिल जाता है। यहाँ पे देखिए सही से देखने के बाद यहाँ पे आपको पता चलेगा। इसको हटा देते हैं और नॉर्मली अब देखिए, उस उधर रेजिस्टेंस है, इधर ट्रेंड लाइन है, प्राइस इधर ऐसे से, इधर से ब्रेकआउट। ठीक है, तो डेली कैंडल इस प्रकार से गाइस दिख रहा है। तो अभी कल हम लोग किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं, क्या साइकोलॉजिकल हो सकता है, चलिए पहले बात करते हैं। तो पिछले दो दिन यहाँ पे क्या हुआ, पिछला दो दिन एक दिन बिग बाइंग यहाँ पे हैपनिंग हुआ है। देखिए इधर से ही बाइंग हैपनिंग हुआ है, इधर इस कैंडल का जैसे हाई ब्रेक हुआ था, हम लोगों ने पहले ही बोल दिया था मार्केट यहाँ से बुलिश दिख रहा है, भाई इसका हाई निकलता है तो बुलिश हो जाएगा, नेक्स्ट डे गैप अप खुला एंड ऊपर जाने लगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कई लोग इधर बोल रहे थे मार्केट क्रैश हो जाएगा ये वाला कैंडल बनने के बाद। ठीक है, तो भाई क्रैश ऐसे नहीं होता आराम से। ठीक है, तो अभी देखिए कल क्या हो सकता है। बिग बाइंग आने के बाद बिग सेल ऑफ यहाँ पे आ रखा है। अभी डायरेक्ट चलते हैं यहाँ पे, आपको सिंपली चलते हैं लाइक 15 मिनट या फिर 5 मिनट पे हम लोग देखेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे, तभी जाकर हम लोग, क्योंकि इंट्राडे ट्रेड करने वाले हम लोग, तो वहाँ पे किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं उसके लिए छोटा टाइम फ्रेम यहाँ पे आपको लगाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, बेसिकली यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि भाई चलिए 5 मिनट भी हटा देते हैं यहाँ पे हम लोग, सिंपली सॉरी 15 मिनट हटा देते हैं यहाँ पे, 5 मिनट का लगाते हैं तो यहीं पे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बाइंग ओपनिंग हुआ तो बायर इधर से आया, ठीक है, तो उसके बाद सेल ऑफ हुआ। अभी क्या होगा, बाइंग अभी फिर से आपको बाइंग दिख सकता है। क्यों दिख सकता है बाइंग, चलिए और कहाँ पर बाइंग दिख सकते हैं। सबसे पहले इधर एक ट्रेंड लाइन आपको चल रहा है, ठीक है, इसके नीचे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे नीचे चल रहा है, ठीक है, एंड उसके बाद एक और रेंज यहाँ पे निकल के आता है, दिस इज सपोर्ट एरिया, ठीक है, दिस इज सपोर्ट एरिया। एंड अभी मार्केट क्या है कि एक रेजिस्टेंस एरिया भी हो सकता है इधर वाला, लेकिन सबसे पहले तो देखो मार्केट कहाँ पे खुलता है, इसको पहले हटा देते हैं।
तो यहाँ पे देखिए मार्केट, अगर मैं सिंपल सा समझाता हूँ, अगर मार्केट यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में खुलता है तो मार्केट हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको बुलिश साइड ही दिखेगा, लेकिन अगर इस पर्टिकुलर एरिया में खुल के मार्केट इधर नीचे इसका ब्रेक करता है तो फिर आपको न्यू लो देखने को मिल जाएगा, मार्केट फिर बेरिश हो जाएगा। इधर के आसपास से टारगेट आपका प्लान रहेगा 54,000 के आसपास तक का रहेगा, ठीक है। बट मेरे को ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, मेरे को ऐसा दिख रहा है कि मार्केट में भी गैप ओपन हो सकता है। डाउ जोन को हमने नहीं चेक किया, चलिए डाउ जोन भी देख लेते हैं, हालांकि डाउ जोन से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। डाउ जोन भी देख ही लेते हैं, ग्रीन में है कि रेड में। तो डाउ जोन यूएस, डाउ जोन ग्रीन में है, तो ऐसा एक्सपेक्टेशन अभी फिलहाल कर सकते हैं कि मार्केट गैप अप खुलेगा। नैसडैक देख सकते हैं 2% ग्रीन में क्लोजिंग हुआ है, ठीक है। तो मार्केट हाई प्रोबेबिलिटी है गैप अप। अभी गैप अप में भी होता है कि छोटा सा गैप अप, क्यों, क्लोजिंग इधर हुआ है, क्लोजिंग अभी कितने पे मिला है चलिए वो देख लेते हैं। क्लोजिंग आपको ये 54,600 पे मिला, ये आपको इधर दिख रहा है, बट क्लोजिंग कहाँ पे वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्लोजिंग इधर ही हुआ है, नीचे हुआ है, बहुत नीचे हुआ है, यहाँ पे क्लोजिंग मिला है, देखिए कितना नीचे क्लोजिंग मिला है, यहाँ पे क्लोजिंग मिला है इधर के आसपास। ये जो रेड लाइन हमने ड्रॉ किया है, रेड लाइन पे क्लोजिंग है, प्राइस एडजस्टमेंट यहाँ पे हुआ है, ठीक है। मार्केट क्लोज होने के बाद जो फाइनल प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग होता है, तो मार्केट कल के लिए यही है कि भाई अगर देखो गैप अप यहाँ पे खुलता है, इस स्विंग्स का यहाँ पे निकलता है, तो आप ऊपर का ट्रेड लीजिए। मतलब इस पर्टिकुलर रेंज में अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप आपको दिखने को मिल जाता है, बहुत बड़ा गैप अप, उस केस में मार्केट में थोड़ा सा सेल ऑफ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बहुत बड़ा गैप अप कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे 1% के आसपास गैप अप मानिए, इस लेवल से, इस लेवल से 1% के आसपास, यहाँ पे इसके हाई के आसपास। तो कहने का मतलब ये है कल मार्केट यहाँ पे 550 का पॉइंट का गैप खुलता है, मतलब पर्टिकुलर इस एरिया के ऊपर यहाँ पे खुलता है, फिर हम लोग डायरेक्ट बाय नहीं करेंगे, डायरेक्ट बाय नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम लोग पुल बैक का वेट करेंगे। मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आएगा, यहाँ पे इधर कहीं बुलिश पैटर्न मिलता है तब जाके हम लोग बाय करेंगे, ठीक है। तो पर्टिकुलर डायरेक्ट इस गैप अप खुलने के बाद डायरेक्ट हम लोग बाय नहीं करेंगे, डायरेक्ट सेल कर सकते हैं अगर पहला 1 मिनट में कुछ दिखता है तो डायरेक्ट सेल करेंगे। तो आपका जो टारगेट रहेगा वो यहाँ पे आपका 54,800 का तक का यहाँ पे टारगेट आप प्लान कर सकते हैं एक गैप अप केस में, बहुत बड़ा गैप अप केस में। इधर के आसपास से आपको बाइंग हैपनिंग दिखेगा, देन आपको फिर से इधर हाई ब्रेक करते हुए नजर गाइज आ जाएगा, क्योंकि मार्केट अभी फिलहाल बुलिश है, बुलिश स्ट्रक्चर मार्केट का बना हुआ है। तभी यहाँ पे कुछ ज़्यादा सेल वेल का कुछ नहीं देख सकते हैं, छोटा छोटा यहाँ पे स्विंग्स आपको सेल साइड यहाँ पे मिल सकता है। कल के लिए सिंपल लॉजिक, इस पर्टिकुलर एरिया में खुलता है, वेट जिधर ब्रेकआउट होगा उधर की साइड हम लोग ट्रेड लेंगे, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे इस स्विंग्स के ऊपर खुलता है, 54,000-55,000 के ऊपर खुल रहा है, तो एक बुलिश 22 लेके हम लोग ट्रेड करेंगे, मार्केट में बुलिश 22 रखेंगे कि भाई बुलिश ट्रेड हम लोग प्लान करेंगे, ठीक है। बट डायरेक्ट प्लान नहीं करेंगे जब तक मेरे को बुलिश सेटअप से अभी प्राइस एक्शन नहीं दिखता है इस रेंज के आसपास, 54,000 से लेके 54,800 से लेके 850 के बीच, अगर जब तक यहाँ पे मार्केट में कुछ बुलिश पैटर्न नहीं दिखता है हम लोग बुलिश ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अगर दिख जाता है इस पर्टिकुलर रेंज में तो हम लोग बुलिश ट्रेड ओबियसली प्लान करेंगे, ठीक है। तो कल मैं आप लाइव ट्रेड भी यहाँ पे गाइस अपलोड कर दूंगा हमारे चैनल पे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। वहाँ पे लाइव ट्रेड में यहाँ पे आपको पूरा कल के दिन यहाँ पे किस प्रकार से हमने ट्रेड किया है पूरा लाइव यहाँ पे डालने वाला हूँ। सो कल से मैं कोशिश करूंगा लाइव डालने का, डायरेक्ट लाइव नहीं रहेगा, मार्केट बंद होने के बाद मैं लाइव ट्रेड डालूंगा। कई लोग पूरा ट्रेड लेने के बाद रिकॉर्ड करते हैं, ऐसा नहीं है, मैं लाइव रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। या फिर हो सकता है लाइव ट्रेड हो, मार्केट बंद होने के बाद उस वीडियो को मैं पब्लिक कर दूँ, इससे मैं थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो जाएगा, मैं उसको थोड़ा छोटा करने की कोशिश करूँगा। आई थिंक मतलब मार्केट काफ़ी सही दिख रहा है, बैंक एक्स का बुलिश दिख रहा है, तो हम लोग नॉर्मली एक्सपायरी ट्रेड करते हैं और ज़्यादा मार्केट में दिमाग नॉर्मली नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो किस प्रकार से अपना लॉजिक था मैं बताऊँगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके एंड बाय गाइज़।